नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या एक, किस प्रदेश द्वारा राज्य सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। RBT ने नबार्डा द्वारा जारी कुछ नियामक निर्देशों का अनुपालन ना करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नबार्डा द्वारा धोखाधड़ी की समीक्षा, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर दिशा निर्देश के अनुपालन ना करने के लिए लगाया गया है। प्रश्न संख्या दो, किस फिल्म को हाल ही में अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टेनेट। भारतीय मीडिया सेवा कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड ने क्रिस्टोफर नोलिन की जासूसी थ्रिलर फिल्म टेनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या तीन, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 11%। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। प्रश्न संख्या चार, भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात कितने प्रतिशत अधिक बढ़ गया है? तो इसका सही उत्तर है 50%। COVID-19 चुनौतियों के बावजूद 2020-21 में मूल्य के संदर्भ के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 50% से अधिक बढ़ गया है। प्रश्न संख्या पाँच, दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किसको प्रधानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है उपराज्यपाल। NCT दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो गया है। यह शहर में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को प्रधानता देता है। प्रश्न संख्या छः, हाल ही में किस देश द्वारा स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने रूसी COVID-19 टीके स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या सात, किस देश में जासूसी विरोधी विनियमन की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ खराब संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बीच एक नए जासूसी विरोधी विनियमन की घोषणा की है। प्रश्न संख्या आठ, रेलवे द्वारा कितनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को वितरित की गई है? तो इसका सही उत्तर है छः। रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को वितरित की है। प्रश्न संख्या नौ, हाल ही में किस हॉस्पिटलिटी कंपनी द्वारा संगरोध सुविधाएँ प्रदान की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ओयो। हॉस्पिटलिटी फर्म ओयो ने 27 अप्रैल 2021 को देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए अपने मोबाइल ऐप पर ओयो केयर फीचर लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश में फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। 27 अप्रैल 2021 को श्रीलंका की कैबिनेट ने सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 11, मास्टर कार्ड के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है कर्टोडियन जेमिनी। विलिक्वेंस बिंदुओं द्वारा स्थापित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और कर्टोडियन जेमिनी ने एक क्रिप्टो रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। प्रश्न संख्या 12, केंद्र द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है लगभग 15 करोड़। 27 अप्रैल 2021 तक केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। प्रश्न संख्या 13, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वन वेव द्वारा कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 36। भारतीय समूह समर्थित लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी वन वेव ने वस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एशियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रहों के एक और बैच के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि की है।
प्रश्न संख्या 14, भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए डाटा देखने के लिए किसके द्वारा वेव आधारित इंटरफेस लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इसरो। भारत के पहले समर्पित और अंतरिक्ष मिशन के लिए सभी डेटा को एक वेब आधारित इंटरफेस पर लाने के लिए एक सामुदायिक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जो उपयोगकर्ताओं को डेटा को देखने और दिलचस्प विज्ञान मामलों की पहचान कराने में सक्षम बनाता है। प्रश्न संख्या 15, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्य और श्रमिक दिवस पर विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।